कैसे हो सभी लोग, वापस से आ चुके हैं हम लोग एक वीडियो लेके। तो गाइस आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप अब देखिए जो लोग माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाते हैं, मतलब माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाते हैं या गेमिंग की वीडियो बनाते हैं, एक तरीके से गेमिंग की वीडियो बनाते हैं, उन लोग को एक सवाल होता है, मतलब वीडियो तो बना दी, वीडियो एडिट करके मतलब बना दी, पर सबसे मेन जो चीज़ होती है थंबनेल। भाई हम लोग थंबनेल, क्योंकि गाइस देखिए YouTube वीडियो में बहुत मेन होता है थंबनेल। थंबनेल देखिए, थंबनेल अच्छा होगा तभी मतलब ऑडियंस जो आपकी रहेगी वो उसके ऊपर क्लिक करेगी, मतलब हाँ मतलब इसका थंबनेल अच्छा है, मतलब एक जैसे मतलब होता है इसको क्लिक करके देखना है, जैसे सस्पेंस होता है ये हो कैसे रहा है, तो वो होता है थंबनेल के ऊपर। और कुछ लोग को यही बनाना नहीं आता है, पहले मुझे भी नहीं आता था, मेरी YouTube वीडियोस को दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये रहा मेरा YouTube चैनल, अब देखिए मैं आपको सबसे पहले अपनी मतलब फर्स्ट वीडियो दिखाता हूँ उसके थंबनेल कैसे थे। मैं पहली वीडियो का थंबनेल था कुछ ऐसा, फिर मैंने मतलब मैंने थंबनेल बनाना सीखा और इस थंबनेल को बनाया। तो आज मैं ये मतलब अपने और अपने आगे की एक जो सेकंड वीडियो में डालने वाला उसका थंबनेल भी बनाने वाले हैं, वही बहाने मेरा थंबनेल भी बन जाएगा और आपको मैं बता दूंगा कि बनाते हैं। तो सबसे पहले वो आपको क्रोम, आपको बनाने के लिए क्रोम ब्राउजर चाहिए, मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए। हाँ तो और सबसे मेन चीज़ चाहिए पिक्सल लैब, जो आपको आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग एक क्रोम ब्राउजर में खोल लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने क्रोम ब्राउजर में नोवा स्किन वॉलपेपर खोल लेना है। अब कुछ लोग को अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से खोलेंगे तो ये गाइस आप देख ही सकते हैं नीचे कितनी सारी ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमें मुझे जिस तरीके का अपने अपने वीडियो का थंबनेल बनाना है तो उस तरीके का सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ मुझे बनाना किस तरीके का है। तो ये देखिए गाइस हम लोग ने एक अपना ये चुन लिया है। तो इसमें ऐसा क्या है कि एक बंदा मुझे मारने के मतलब एक तरीके से कोशिश कर रहा है और ये मैं हूँ जो यहाँ पे उड़ के जा रहा हूँ। और ये तो अगर आप और देखिए अगर आपके पास अपनी स्किन, सबसे पहले आपको स्किन चुननी है, तो मैं हमेशा यहाँ पे जाता हूँ और ये स्किन जो यहाँ पे रहती है स्किन के बगल में ये वाली स्किन मैं हमेशा रहती हूँ। और अगर आपके पास अपनी खुद की एक स्किन का PNG है तो आप ये जो ये दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके अपने अपनी गैलरी से वो PNG क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी जो पर्सनल स्किन रहेगी वो आएगी। तो मैं हमेशा ये सिलेक्ट करता हूँ। तो इससे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं ऐसा करता हूँ। तो इस तरीके का कुछ मेरा रहने वाला है, तो ये मुझे मार रहा है उस तरीके से। और फिर अगर आप जैसे कि आपकी स्किन यहाँ पे आ गई, आप खुद भी ले सकते हैं, जैसे आप अपना मैंने PNG बताया उसको क्लिक करके वहाँ आप गैलरी से PNG ले रहे हैं। फिर आप आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड आपको यहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये हम लोग ने अभी इसको डाउनलोड कर लिया और मैं अपनी गैलरी में आया हूँ, तो ये अभी यहाँ पे आ गया है। चलिए गाइस अब जल्दी से पिक्सल लैब खोल लेते हैं। तो गाइस अब हमारा पिक्सल लैब खुल चुका है और मैं यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं, जो आप चाहें तो हमेशा स्लाइड करके बताऊँ तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखना होगा, आप यहाँ से जाके इसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। गाइस फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कस्टम में जाके यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर देने के बाद आपका ये खुल जाएगा। ये मैं आपको मतलब मेरा पहले से खुला हुआ था तो मैं इसीलिए मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। फिर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी 5:10 हो रहे हैं और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम गैलरी, ठीक है गाइस। फ्रॉम गैलरी पे आके आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो चाहिए। तो जैसे ये है मेरी फ़ोटो तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पूरी मतलब आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं पर मुझे तो पूरी चाहिए इसलिए मैं इसको यहाँ पे वो दे रहा हूँ।
और अगर आप ये नहीं करना चाहते आप सीधा यहाँ पे ये 16 और 9 के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इतना ही इंटरफेस आता है आपका आपके यूट्यूब पे। आप सीधा सीधा फिर यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर ये देख सकते हैं ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, इससे इसलिए आपको क्लिक करना है। और ये जो बड़ा सा वो दिख रहा होगा इससे आपको बड़ा बड़ा कर देना है, आपको एडजस्ट कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दिया है। हाँ, ये अभी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लॉक का ऑप्शन होगा, फिर लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर ये हिलेगा नहीं, उसको हटा देना है। अब गाइस देख सकते हैं ये हिलेगा नहीं, जितना भी आप हिलाने की कोशिश कर लो अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है गाइस, इतना तो हो गया। अब गाइस अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे जैसे कि अब इसको थोड़ा सा मतलब इसको वो बनाना है, इसको थोड़ा यूनिक बनाना है। सबसे पहले हम लोग जैसे कि ये बनना मुझे मारने की कोशिश कर रहा है वीडियो में, तो इसके लिए मुझे एक कुछ टॉपिक मिलना है। सबसे पहले हम लोग जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे, रॉन्ग गैलरी पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी गैलरी खुल जाएगी। तो गाइस हम यहाँ थोड़ा आपको बैकग्राउंड और ये आपको मिलेगा कहाँ, आपको क्या नाम है, आपको मैं पूरा पूरा बता देता हूँ कि आपको गूगल पे जाना है। जैसे मैं आपको पूरा पूरा बता देता हूँ, ठीक है गाइस, जैसे करके हमारा गूगल खुल चुका है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है ईवी, लिख दिया पर मैंने बता दी ई रिएक्शन, मतलब जैसे कि रिएक्शन आप लिखिएगा, पर रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो देख सकते हैं क्या आ जाएगा। देखिए जैसे स्टीव रिएक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और ही आ जाएगा भाई, मतलब किसी और को कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं कुछ और ही आ गया। तो इसीलिए आपको जो चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रीप शॉकिंग, यहाँ पे लिखूँगा मैं स्ट्रीप शॉकिंग, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्रीप शॉकिंग। तो अब मैं यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे माइनक्राफ्ट का ही शेप मिलेगा, जैसे कि मुझे ये मिल गया, ठीक है। ठीक है गाइस, अब आप मुझे यहाँ पे ये मिल गया है और यहाँ पे मुझे बहुत सारे नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको सीधा क्या करना है, इसको यहाँ पे डाउनलोड को इमेज का ऑप्शन है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। गाइस मैं इस वीडियो में एक एक डिटेल आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, तो एक लाइक तो बनता है ना यार। लाइक कर ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। फिर गाइस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, आप क्या नाम है प्ले स्टोर पर डालेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा, आपको डालना है बैकग्राउंड इरेजर। जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल एल्बम में जाना है आपको, ओरिजिनल एल्बम में जाके जो आपने अभी वीडियो वाला फोटो डाउनलोड करी है उस फोटो पे आपको जाके क्लिक करना है और यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। और ये जो ये सब रहेगा ये आपको इरेज करना है, क्योंकि आप बाकी सब तो डालना नहीं चाहते। पर आपको एक तरीका बताता हूँ, ये ऑटो क्लिक कर जो यहाँ पे ऑटो कलर है उसके ऊपर करिएगा और इस जो बैकग्राउंड रहेगा उसके ऊपर जाकर कर दीजिएगा, तो ये पूरा खाली हो जाएगा और सिर्फ आपका शॉपिंग बनेगा। यहाँ से आप डन करके इसको वन पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं गाइस, आप कोई नहीं देगा, मैं कसम बता रहा हूं। तो चलिए अब वीडियो में वापस से पिक्सल लैब में आ जाते हैं। यहां मतलब हम लोग पिक्सल लैब में आ चुके हैं, तो आप क्या करना है, सीधा सीधा आपको ये पूरा रहेगा आपको यहां से टिक कर देना है। वैसे भी ये जो बैकग्राउंड इसका पहले से इरेज मैंने करके रखा हुआ है, तो आपसे यहां से टिक कर देंगे सीधा बात। और फिर आपको रियल बात बताऊं तो मुझे वो पक्का फिट हो ही नहीं रहा था, आप इसको स्टीव शॉकिंग ही को लगाइएगा, क्योंकि उसको मैंने गया तो मुझे नहीं लगा कि भाई मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, वो मुझे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। और क्या नाम है, फिर मैंने बोला कि भाई इसको लगा मत ही लगाइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, तो इसको मत लगाइए। और इसको फिर आप यहाँ से आराम से एडजस्ट करके यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ठीक है भाई। फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे
ऑप्शन होता है स्ट्रोक का, आपको स्ट्रोक में जाना है, एनेबल कर देना है, अरे सॉरी हाँ यहाँ से एनेबल कर देना है, और फिर यहाँ पे वाई टी हमेशा स्ट्रोक रखिएगा, फिर इसको थोड़ा सा मतलब चार पे मतलब नहीं पाँच पे रखेंगे तो थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखेगा, तो आपको पाँच पे रख देना, जिससे आपकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटलाइनिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है आप देख सकते हैं वो आ गई है। फिर आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको हटा देना है, इस पर जाना है और यहाँ पर जाके आपको इसको लॉक कर देना तो सीधा सीधा ये लग गया। अब बता दो आगे फिर गाइस आप ना आप क्या नाम है, आप गूगल में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा माइनक्राफ्ट लोगो को डाउन, और जो ये मैं बना रहा हूँ उसको आपको थंबनेल मेरे रियल थंबनेल में जो इस वीडियो का थंबनेल होगा उस पर दिख ही जाएगा, आपको गूगल पे जाना है, लिखना है माइनक्राफ्ट लोगो, तो वहाँ पे आपको एक माइनक्राफ्ट का लोगो मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको कोई कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है लगा लेता हूँ, गाइस देख सकते हैं ये ना मेरा माइनक्राफ्ट का लोगो जिसे मैंने पहले डाउनलोड करके और पहले ही सजा मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये रहा वो माइनक्राफ्ट का लोगो जिसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, मतलब समझ नहीं तो आया भाई ये कौन सा गेम है, ये तो मेन होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये रहा मेरा दीजिएगा, फिर और नीचे जाइएगा तो आपको आपको दिखेगा शेडो, शेडो को क्लिक करना है, एनेबल कर देना है यहाँ से, और ब्लैक शेडो आपको रहेगी पर ब्लैक शेडो आपको नहीं लगाना है यहाँ से, एक अच्छी शेडो लगाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लू कलर की डाल दीजिएगा, तो ये आप जो दिख रहा है भाई मतलब समझ जाइए, अब ये देखिए अब ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर रौनक आ गई है, ठीक है। अब मेन चीज कि भैया आप हो क्या रहा है, यहाँ पे एक ये बंदा है मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग तो देख के समझ जाएंगे पर भैया ये बताना तो पड़ेगा ना इनका हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको ए वाले ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं जैसे आपकी जो वीडियो के रिलेटेड जो आपका टेक्स्ट होगा आपको लिख देना है, और जब ये लिख जाएगा आप उसको अपने यहाँ पे टेक्स्ट में ही नीचे जाना है और यहाँ पे होगा फंड का, ठीक है आपको फंड में जाना है, ठीक है तो आपको फंड में जाना है, आपको फंड में जाना है और फिर आपको यहाँ पे फंड जाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जंप पास कर देना, आप चाहे तो किसी तरीके को जा सकते पर जंप देख सकते हैं यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर पे आपको जाना है, और गाइस मैं हमेशा क्या करता हूँ जो शुरू का कलर है ये जैसे शुरू का कलर है जैसे मिस्टर है भाई 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 मिस्टर हमेशा शुरू का कलर मैं ब्लू रखता हूँ और लास्ट का कलर जो रहता है वो मैं येलो कर देता हूँ, मतलब ठीक लगता है मुझे, ठीक है और यहाँ से मैं येलो कर देता हूँ सीधी बात है, और यहाँ से टिक कर दीजिएगा। अब गाइस मुझे इसके अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, अब गाइस अब यहाँ पे आप नीचे जाइएगा स्ट्रोक पे जाइएगा एनेबल कर दीजिएगा, एंड हमेशा यहाँ पे स्ट्रोक वो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे हमेशा यहाँ पे एट इट बी डन और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना सा मतलब इतनी सारी जगह खाली बची और मैं यहाँ पे ना आप ये गाइस मुझे इसके अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, अगर आपको आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब सच में। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ी सी और वो कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे शेडो में जाऊंगा, यहाँ पे एनेबल शेडो करूंगा, हमेशा यहाँ पे आप व्हाइट रखिए, शेडो को आप व्हाइट रखिए, ये इससे अच्छी फीलिंग आती है। शेडो आप व्हाइट रख लीजिए, ठीक है, आप शेडो व्हाइट रख लीजिए। और तो आप देख सकते हैं इसमें, और फिर आप यहाँ पे जाइए और पहले जो तो चलिए खबर। और तो साथ ही वीडियो बनी थी, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रुको जरा, पहले 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 रुको, आपको सेव करने के लिए तो बताया नहीं, इस पे आपको इस पे क्लिक करनी है, सेव एज इमेज पे जाना है, फिर आपको कस्टम में जाना है, यहाँ पे कस्टम का होगा, यहाँ पे वेरी हाई पे क्लिक करके आपको सेव टू गैलरी कर लेनी है। ओ माय गॉड, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको 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 गाइस, कहाँ जा रहे हो? अरे गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए गाइस थैंक्स फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। अब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। तो मैं स्पेशल कुछ इस तरीके का करना चाहता हूँ कि गाइस अब मैं, अब देखिए अगर आप मेरी जैसे कि ये जिस मेरी ये वीडियो है, इस वीडियो पे अगर आप एक अच्छी सी कमेंट करिए, तो अगर इस अच्छी, अगर आपको मतलब जो मेरी इस पे कमेंट करेंगे अच्छी वाली, अगर मुझे वो वीडियो कमेंट अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको देने वाला हूँ शाउट आउट। और अगर आपको गाइस अपने अपना चैनल मतलब अपना चैनल मेरी वीडियो पे अगर दिखवाना है तो आप जो कमेंट लिखिएगा, जैसे गाइस आप लोग ने मतलब एक वीडियो पे लिख दिया नाइस वीडियो, और अगर आपको अपना चैनल मेरी वीडियो पे दिखाना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रो, मतलब अपनी जो अच्छी सी कमेंट लिखी होगी उसके आगे ब्रो प्लीज़ टेक माय चैनल, इतनी चीज़ आप लिख देंगे तो मतलब जैसे नाइस, मतलब जो मैंने पीछे लिखा है वो, जैसे वीडियो में आप अपने तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं, पर अगर आपको अपना चैनल मेरे वीडियो पे दिखवाना है तो ये ज़रूर लिख दीजिएगा ब्रो प्लीज़ टेक माय चैनल। अगर इतना आप लिख देते हैं तो अगर मुझे जिसकी भी कमेंट ज़्यादा अच्छी लगेगी उसको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। और आज की वीडियो इतनी थी, एवरीबॉडी एंड बाय बाय।